नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। कोल्हापुर हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 20 लोगों को हिरासत में ले लिया है, साथ ही शहर में इंटरनेट सेवाओं को 31 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है, जो बुधवार शाम 5 बजे से लेकर गुरुवार की मध्य रात्रि तक लागू रहेगा। आपको बता दें कि टीपू सुल्तान और औरंगजेब के पोस्ट और स्टेटस को रखे जाने के खिलाफ बजरंग दल ने कोल्हापुर बंद का ऐलान कर दिया। हालांकि जिले के शिवाजी चौक पर यह बंद और विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। मौके की नजाकत को देखते हुए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा और आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े, तब जाकर प्रदर्शनकारियों पर काबू पाया का जा सका। आपको बता दें कि हैरत की बात तो यह रही कि जिले में धारा 144 लागू होने के बाद भी प्रदर्शनकारी शिवजी चौक पर इकट्ठा हुए और पुलिस के लाठी चार्ज की वजह से कुछ समय के लिए भगदड़ जैसे हालात भी बन गए। अब सवाल है कि यह हिंसा कैसे हुई। आपको बता दें कि इसके पीछे साजिश भी बताई जा रही है, राजनीति भी बताई जा रही है, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर यह हिंसा हुई क्यों। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में औरंगजेब और मैसूर के शासक रहे टीपू सुल्तान की तारीफ में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बुधवार को दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। इसमें दोनों तरफ से जमकर लाठी और डंडे चले, पत्थरबाजी भी हुई और साथ ही इसमें पुलिस का कहना है कि भीड़ टीपू सुल्तान की तस्वीर के साथ आपत्तिजनक ऑडियो संदेश सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का विरोध कर रही थी। इस दौरान भीड़ ने सुरक्षा बलों पर हमला किया, पथराव भी किया, इसके बाद कुछ वाहनों को पलट दिया गया। वहीं इस हिंसा पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान भी सामने आ गया। आपको बता दें कि शिंदे ने शांति बनाए रखने की अपील की और लोगों से कानून हाथ में नहीं लेने को कहा। शिंदे ने कहा कि कानून हाथ में लेने वाले किसी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। मैं स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं और जरूरी निर्देश दिए गए हैं, आम लोगों का कल्याण हमारी प्राथमिकता है। ऐसे में कोल्हापुर हिंसा मामले में पुलिस ने 3 FIR दर्ज किए हैं, जिसमें से कुल 300 लोग आरोपी बताए गए हैं। अब तक 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कोल्हापुर के SP महेंद्र पंडित ने कहा कि जानकारी ये सामने आई है कि CCTV फुटेज भी खंगाली जा रही है, इस पर शरद पवार भी बोलते हुए नजर आए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि शरद पवार ने कोल्हापुर में हुई हिंसा पर प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने ऐसी स्थिति बनाई है, यह समाज के लिए सही नहीं है, आम लोगों को इसकी कीमत चुकानी होगी, इसमें राजनीति की कोई आवश्यकता नहीं है, अब इसकी जांच की जाएगी तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। महाराष्ट्र में हत्या की घटनाएं महाराष्ट्र की खासियत नहीं है, महाराष्ट्र एक उदार और शांतिपूर्ण राज्य है। कोल्हापुर और नगर की घटना महाराष्ट्र के चरित्र के अनुरूप नहीं है, ये शरद पवार का साफ तौर पर बयान सामने आया। दूसरी ओर शिंदे ने भी शांति बनाए रखने के लिए कहा, लेकिन अब साफ तौर पर जिस तरीके से ये अचानक से विवाद खड़ा हो गया, एक पोस्ट के पीछे आपस में दो गुट भिड़ जाते हैं और इस तरीके से बवाल खड़ा हो जाता है, पुलिस हालात पर काबू पाने में जिस तरीके से नजर आ रही थी कि कितनी मशक्कत करनी पड़ रही थी, धारा 144 तक लागू करने की जरूरत पड़ गई सिर्फ एक पोस्टर की वजह से। सोचिए, इस पर आपकी क्या राय है? क्या यह सब एक राजनीति के तहत हो रहा है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी वजह है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही, देखते रहे इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।